सूर्यकांत के भतीजे हैं आप और ये हाल है। अरे भाई कुछ डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में। ये क्या तरीका है, 10 बजे कॉलेज शुरू होता है और आप अभी तक तैयार नहीं हुए। तैयार तो यूं हुआ अंकल, आप देखते रह जाएंगे। आजकल झटेज का जमाना है अंकल, हर काम झटके से हो जाता है। तो फिर झटके से पढ़ाई खत्म कर और उसके बाद पुलिस की ट्रेनिंग ज्वाइन कर ले चल। ओहो अंकल, फिर वही पुलिस वाली बात। अब भाई पुलिस वाले के घर में पुलिस की बातें नहीं होंगी तो क्या चोरों की होंगी। अभी तो कॉलेज की बात कीजिए। देखिए अंकल 9:45 हो गए हैं और सिर्फ 15 मिनट बचे, मैं तो चला। अरे लेकिन नाश्ता तो करके जा, कॉलेज भी कर लूंगा। सच कहा है, वाकई जेट स्पीड का जमाना है। हाय। अरे आनंद, अरे यार इतनी देर लगा दी, मालूम नहीं आज कॉलेज का पहला दिन है और इतनी सारी कबूतरी आई है जिनके साथ गुटरगू गुटरगू जो कर रहा है। अरे यार मैं तो तैयार हूँ, मगर इस पूरे कॉलेज में कोई ऐसी लड़की है जो हमारे दिल में बिजली गिरा दे। अरे अरे नहीं नहीं, बुलझड़ी आई है, बुलझड़ी। हाँ कहो। अरे आजा। बालिके जी, लगता है नई विद्यार्थी हो। हाँ जी, मैंने बीएससी में एडमिशन लिया है। पाली के हमारा नाम सुरवेश द्विवेदी है, उर्फ हजारी प्रसाद त्रिवेदी है, उर्फ माखन लाल चतुर्वेदी है। हम आपके हिंदी के अध्यापक हैं। लेकिन बीएससी में तो हिंदी का सब्जेक्ट होता ही नहीं। हमारे महाविद्यालय में तो होता है, हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, इसीलिए इसका अध्ययन करते रहना चाहिए। आओ मैं तुम्हें इसका पहला अध्याय पढ़ाऊं। लेकिन अभी हमारे महाविद्यालय का नियम है, जो कोई भी नया विद्यार्थी आता है उसे हमारे साथ एकांत में 1 घंटे तक हिंदी का अध्ययन करना पड़ता है। आओ मैं तुम्हें इसका अध्याय पढ़ूं। आओ, लेकिन चल, लेकिन चल। लेकिन शास्त्री जी, ये क्या कर रहे हैं आप? बालिके हमारे अध्ययन में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए ये किया है। चिंता करने की कोई बात नहीं, विराजमान भव। हाँ। बालिके हमने तो अपना परिचय दे दिया, क्या आप अपना परिचय नहीं देंगी? मेरा मतलब है कि क्या नाम है तुम्हारा? जी निशा राठौर। हाँ तो निशा, आज हमारे प्रथम दिवस का प्रथम विषय है प्रेम। जी जी मैं कुछ समझी नहीं। नहीं नहीं, मैं समझाता हूँ। प्रेम ही जीवन का सर्वोत्तम विषय, अतः आज हम प्रेम से शुरुआत करें। लेकिन लेकिन चाची ये क्या कर रहे हैं आप? बालिके एक बात बताओ, तुमने कभी जीवन में प्रेम किया है? हमारी जिज्ञासा जल्दी शांत करो। जी नहीं, मैंने मैंने कभी किसी से प्रेम नहीं किया। अति उत्तम, तो ये शिक्षा भी तुम हमें से पूरी करो। हाँ। आलिंगन बद हो जाओ। हाँ? क्या हो जाओ? आलिंगन बद। जी जी वो क्या होता है? ओहो, हमारे गले लग जाओ, ये प्रेम का प्रथम चरण है। क्या 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 ये अनिवार्य है? अत
आती है निभाने? जी वो क्या है कि मुझे ना शर्म आती है। शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है बालिके, लो हम अपने चक्षु बंद कर लेते। बालिके शीघ्र ही आलिंगन मत हो जाओ बालिके, जल्दी से हमारे आलिंगन मत हो जाओ बालिके। ठीक है हरीश, शास्त्री जी क्या आप हिंदी सिखाने से पहले नृत्य की शिक्षा देते थे? नहीं वो तो मैं जानती थी कि तुम लोग नई लड़कियों की इसी तरह रैगिंग करते हो, इसलिए मैं अपने साथ खुजली की दवा लाई थी। अच्छा क्या? और शास्त्री जी अब आप शाम तक नृत्य का अध्ययन करते रहिए। अच्छा बाय बाय बाय। पापा, अरे कॉलेज का पहला दिन मुबारक हो दीशी। पापा थैंक यू पापा। आहिस्ता आहिस्ता बेटी। अच्छा बताओ कैसा रहा आज का दिन? ओह फैंटास्टिक पापा, सबकी छुट्टी कर दी मैंने, इतना मजा आया, बड़ी रैगिंग करने चले थे, अपने आप को बड़ा पन्ने खा समझते थे ना, सबको पिद्दी खा बना दिया मैंने। आखिर बेटी किसकी है? अच्छा लड़े फौज और नाम सरदार का, लेकिन पापा आज का सारा क्रेडिट तो मेरा है, ऐसी उल्टी रैगिंग की है कि जिंदगी भर याद रखेंगे। लेकिन बेटी कभी कभी उल्टी रैगिंग बड़ी महंगी पड़ती है। अरे हमने भी कॉलेज के जमाने में एक लड़की की रैगिंग की थी, लेकिन उसने गूंगी बनकर उल्टी हमारी रैगिंग कर दी। फिर क्या, जब उस गूंगी ने बोलना शुरू किया तो हम सारी जिंदगी सुनते रहे। वो तो चली गई, एक बेटी दे गई जिसकी आज तक सुन रहे हैं। अच्छा तो आप मम्मी की बात कर रहे हैं? हाँ बेटी, और अब तो सुनने की आदत पड़ गई है, सोचता हूँ कि जब तू ससुराल चली जाएगी तब कौन सुनाएगा तुझे। पापा फिर वही, आप फिक्र मत करें अंकल, जब दीदी चली जाएंगी तो मैं आ जाऊंगी, मेरा घर तो पास ही में है, फिर इतनी बातें करेंगे, इतनी कसम की छुट्टी कर देगी। हाँ फिलहाल तो तू दीदी से बातें कर, मुझे जाना है। सचमुच हुई तू इतनी बातें करती है। दीदी ये कितना अच्छा है, मैं ले लूं? हाँ ले ले, इसीलिए तो तू आई है। थैंक यू दीदी। अच्छा बेटी मैं चलता हूँ, और सुनो कॉलेज के इन दिल फेंकों से जरा दूर दूर रहना, कभी कभी ये दिल भी चुरा लेते हैं। निशा का दिल चुराना इतना आसान नहीं है पापा। वेरी गुड। आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं आईजी सूर्यकांत शर्मा इस मीटिंग में आप सबका स्वागत करता हूं। इंडिया में बढ़ती हुई स्मगलिंग को मद्देनजर रखते हुए आज ये पुलिस डिपार्टमेंट और कस्टम डिपार्टमेंट की ज्वाइंट मीटिंग रखी गई है। कस्टम की तरफ से मीटिंग को एड्रेस करेंगे कस्टम कैलाशनाथ राठौड़। पिछले कुछ दिनों से स्मगलिंग की दुनिया में तीन बड़े नाम सुनने को मिल रहे हैं, सर जॉन, टीनू और पीटर गोंसाल्वेस। ये लोग कौन है इसका अभी तक पुलिस को पता नहीं चला है, और इनका माल आसानी से एयरपोर्ट से निकल जाता है। ऐसा लगता है कि पुलिस और कस्टम डिपार्टमेंट हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। ऐसा क्यों है? मेरे ख्याल में इसका सबसे बड़ा रीजन है हम दोनों डिपार्टमेंट का कम्युनिकेशन गैप। कई बार पुलिस को इंफॉर्मेशन मिल चुकी होती है कि फलां फाइट से गैर कानूनी माल आ रहा है, लेकिन जब ये इंफॉर्मेशन पुलिस से हमारे पास पहुंचती है तब तक फ्लाइट लैंड करके वापस जा चुकी होती है। हम कोशिश करेंगे कि आइंदा से आपको इसकी इत्तला कुछ पहले मिले। तो फिर हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि सर जॉन, टीनू और पीटर गोंसाल्वेस बहुत दिनों तक कानून के पंजे से नहीं बचे रहेंगे। हमें आपके डिपार्टमेंट से यही उम्मीद है। आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट।
सर जॉन, आपका 5 करोड़ का माल इंडिया से इंग्लैंड के लिए रवाना हो चुका है। सर जॉन, जापान के हीरो के स्मगलर लुई थॉमस आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट चाहते हैं। सर, अमेरिका के मिस्टर फ्रांसिस अपनी पुरानी पार्टियों को छोड़कर आपके साथ डील करना चाहते हैं। इंडिया की पुलिस और सीबीआई में चर्चा का एक ही विषय है, ये सर जॉन कौन है, इनका माल कैसे आता है और कहां जाता है। सर जॉन, रणवीर पुष्प ने ये प्रेजेंट सिंगापुर से आपके लिए भेजा है। सर जॉन, आजकल इंडियन पुलिस बहुत परेशान कर रही है। डोंट वरी, पुलिस तो हमारे लिए इस बेजान मूर्ति की तरह है जिससे खेलना हमें अच्छी तरह आता है। मिसेस भटनागर ब्लू ब्लाउज और रेड साड़ी पहन के आती है, पता है? ये क्या? मेरी गाड़ी? अरे निशा देख, तेरी मारुती कार की नंबर प्लेट तो यहाँ लगी है। आपको हमारी हिंदी पढ़ाना तो अच्छा ही लगा होगा। ये देसी मारुति के बारे में क्या ख्याल है आपका? नहीं, अगर आपको पसंद आ गई हो तो बंदे का शुक्रिया अदा कीजिए। शट अप कहिए या कुछ और कहिए, लेकिन सिर्फ एक बार इस सवारी पर बैठ के दिखा दीजिए। जब ये खूबसूरत सवारी लेकर ये बैलगाड़ी चलेगी, आ हा 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 हा, तो बैलों के गलों में घंटियां ऐसी बजेंगी जैसे किसी खूबसूरत लड़की के पैरों के पायल। ओ मैडम, अगर आपको ये सवारी पसंद ना हो तो कहिए तो हम आपको अपनी मोटरसाइकिल पर घर छोड़ें। क्यों डालिंग, चले डबल सीट, वो भी जेट स्पीड में। बदतमीज, मैं तुम्हें देख लूंगी। चलो, मुझे देखी। कोशिश बेकार है जानी, ये लड़की तुझे हाथ नहीं रखने देगी। अबे हाथ भी रखने देगी और इस हाथ पे अपना हाथ भी देगी। तू राजकुमार से सीधा आता है कि नहीं? चुप सोचेंगे जानी। आनंद, ये क्या, तेरी मोटरसाइकिल की जगह गधा बना हुआ? कहिए जनाब, ये देसी मोटरसाइकिल आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो हमारा शुक्रिया अदा कर दीजिए। एक बार इस पर बैठ के तो दिखा दीजिए, पूरे शहर में बिना पैसा खर्चा किए पब्लिसिटी हो जाएगी आपकी, हो सकता है अखबार में तस्वीर भी छप जाए, क्या ख्याल है आपका? ख्याल तो अच्छा है, हमें पसंद आया। तो ये छड़ी भी रख लो, गधे को हांकने के काम आएगी। देखिए कहीं ये छड़ी हमारे प्यार की शुरुआत बन जाए। प्यार और तुमसे, शक्ल देखिए अपनी। ऐसा, चलो 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 जाइए। ओ मैडम, ओ मैम साहब, ओ ब्यूटी क्वीन, ओ मैडम, माफ करना। सॉरी, चलो उठाओ, चलता हूं। सर, हमारे लिए नेक्स्ट ऑर्डर क्या है? मैं सेठ दमन वाला अमेरिका से आपके 10 करोड़ के हीरे लेकर इंडिया आया हूँ। एयरपोर्ट पर बड़ी सख्त चेकिंग थी, किसी तरह से एयरपोर्ट से तो बच निकला, मगर रास्ते में पुलिस पीछे पड़ गई। बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। हीरे इस छड़ी में है। ओपन इट। लगता है ये छड़ी रास्ते में उस लड़के से बदल गई। मुझे माफ कर दे सर जॉन, मुझे मुझे 24 घंटे की मोहलत दे। मैं जिस लड़के से टकराया था मैं उसे ढूंढ लूंगा और मैं आपके हीरे अब तक पहुंचा दूंगा। ये लो रिवॉल्वर, इसमें एक ही गोली है। 24 घंटे के अंदर अगर तुम हीरे नहीं ला सके तो अपने आप को गोली मार लेना। टेक इट। जिस लड़के के बारे में आप पूछ रहे हैं पढ़ता तो इसी कॉलेज में है, लेकिन आज कॉलेज बंद है इसलिए सारे लड़के लड़कियां पिकनिक पे गए हैं। किस जगह गए पिकनिक पर? वो उरन। <चारी। laughs>
मैं गिर जाऊंगी। तुम जब गिरने लगोगी तो मेरी बाहें तुम्हें थाम लेंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। जरा एक बार इन खूबसूरत आंखों को जी भर के देख तो लेने दो। अगर ये आंखें किसी सूखे जंगल की तरफ भी देख लेना तो जंगल भी हरा भरा हो जाए। ओ छड़ी रे छड़ी कैसे गले में पड़ी, ये छड़ी तुम्हें हमारे करीब बुला रही है। तेरा गुस्सा सुभान अल्लाह। दोस्तों सुनिए, आप लोग जरा इधर आइए। मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस छड़ी का अपमान हो गया है, इसीलिए आज मैं इसकी नीलामी करने जा रहा हूं। है कोई खरीदार जो इसकी बोली लगा सके? बोलो भाई, आप बोलिए मैडम। 100 रुपए। ये कोई मामूली छड़ी नहीं है, बड़ी जादुई वाली छड़ी है। इसने तो हमें भी किसी से प्यार करवा दिया। बहुत रोमांटिक बन रहा है। आज इसकी वो हालत होगी कि जिंदगी भर के लिए रोमांस करना भूल जाएगा। मैंने इसमें नशे की दवा मिला दी है। देखो भाई, इसे खरीदने के लिए दिल के बदले दिल देना पड़ता है। और लगता है कि यहाँ दिल देने वाला तो कोई नहीं। दिल तो वाकई आपको यहाँ कोई नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, हम आपको ये थम्स अप जरूर दे सकते हैं। थैंक यू। चले यार आनंद, घूमने चलते हैं। चल, उस पहाड़ी के पीछे किला है जो लैला मजनू की याद में बनाया गया है। चल ना यार, चल ना यार, चल चल। मेरी लैला तो यहाँ है, मैं भला वहाँ क्या करूंगा यार। तुम जाओ। अरे यार, काफी रोमांटिक जगह है ना। अरे आपने वो थम्स अप पी ली? नहीं, ये रही। तो आइए ना, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा जल्दी पीता है। इसमें से आपकी कौन सी है? जी मेरी ये है। तो पिए। 1 2 3। तुम बहुत अच्छे हो। लगता है आसमान और तुम जमीन है। इन होठों को छूछाऊं मैं, जी करता है जी जाऊं मैं, तेरी आंखों से छलके नशा। आई लव आई लाइक इट, आई लव इट, आई लाइक इट। होता है इश्क़ नहीं मेरा ख्याल
होता जो प्यार है। डाली गुलाब की मस्ती शराब की, चढ़ती जवानी मेरी उनपे शराब की, रूप तेरा मस्ताना ये कर देना मुझे दीवाना, ये कातिल है तेरी हर अदा। I love it, I like it, oh I love it, I like it. धड़कन ये दे रही है तुझको सलाम ले, तू भी जवान हो, तू भी जवान हो, मैं भी जवान हूँ, तू भी जवान है, उस पे मन होश अंगूं मौसम बेमान है, दिल पे जो तेरी क्या गाली घटा, चेहरे से जरा दे इनको हटा, हो गया मैं सीधा संभालो अपनी सहेली को, क्या हाल बना रखा जरा देखो। My God, थम्सअप में नशा तेरे से तुम्हें सबक सिखाने के लिए मिलाया था और पी गई खुद। अच्छा तो ये बात है, अब मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगी। मेरे कपड़े, मैं तुम्हें अपने कपड़ों की पड़ी है, जरा मेरा हाल तो देखो। अगर बात यहीं तक रहती ना तो ठीक था, लेकिन लेकिन क्या, अब मैं तुम्हें अपने मुंह से क्या कहूं, शर्म आती है। जो कुछ भी हुआ उसकी गवाह ये छड़ी है, लेकिन ये बेचारी भी गूंगी, कुछ बोल नहीं सकती, वरना तुम्हें ये सब कुछ बता देती। लेकिन हुआ क्या, 10% कुवारा था मैं, बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी का भक्त, सब कुछ भंग कर दिया तुमने। मजाक मत करो आनंद, ये मजाक नहीं सच है, ये सब तुम्हारे इस थम्सअप की वजह से हो गया। खुद भी पी लिया और मुझे भी पिला दिया, पता नहीं क्या था इस थम्सअप में कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं सका। नहीं आनंद, कह दो ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है। हे भगवान, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। मुंह दिखाने लायक तो मैं भी नहीं रहा, दिल करता है कि आत्महत्या कर लो। देखो रोने का कोई फायदा नहीं, भलाई इसी में कि तुम इस बात को भूल जाओ और किसी से कुछ कहना नहीं। Oh, my God.
देखिए भाई साहब। कौन है? मैं हूँ भाई। कल रास्ते में मेरी और आपकी छोटी सी टक्कर हो गई थी, याद आया? उस टक्कर में मेरी छड़ी आपकी छड़ी से बदल गई थी। वो छड़ी मेरे दोस्त की निशानी है, प्लीज मुझे वापस दे दीजिए। ये लीजिए अपनी छड़ी। अच्छा, तो वो छड़ी आपकी होगी? हाँ। अरे ऐसी कौन सी जादुई छड़ी है जिसके पीछे इतने लोग पड़े? आपके आने से पहले कुछ गुंडे आए थे जिन्होंने मेरी आंख में मिर्ची फेंकी, फिर मुझे पीट कर छड़ी लेकर चले गए। किधर गए? जहन्नम में। आप भी वही जाएंगे? यहाँ पे मेरी जान पे बनी है और आपको ये छड़ी की पड़ी है। लीजिए 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 और जाइए, मेरा पीछा छोड़िए, जाइए दफा होइए। कमाल की छड़ी है यार, पहले प्यार करवाती है फिर पिटवाती है। नंबर छह, छह से मिले सीढ़ी पर हम पहुंच गए यहां पर, यानी हम मंजिल के करीब पहुंच गए हैं। बिल्कुल उतने करीब तीनू जितने करीब ये छड़ी है। ये वो छड़ी है जिसमें लंदन से सर जॉन के लिए 10 करोड़ के हीरे भेजे गए हैं। अब इन हीरों का मालिक तीनू है। hey, तुम सब भी हंसो हंसो। चलो, जब भी तुम हंसने को कहते हो ये किटी क्यों नहीं हंसती? क्योंकि उसकी हंसी सिर्फ मेरे लिए है। हंसो। खोलो, खोलो इसे। हमारी आंखों में हीरो की चमक है तो सरजान की आंखों में मायूसी के आंसू होंगे। बेचारा अपनी किस्मत पर रो रहा होगा कि फिर कौन उसका माल ले उड़ा। सेठ दमन वाला हीरे नहीं ला सका, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। आखिर हीरे गए कहां? उन्हें जमीन खा गई या पाताल निकल गया? सेठ दमन वाला के जेब से चिट्ठी मिली है, इसमें लिखा है कि सेठ दमन वाला के पहुंचने से पहले ही तीनों के आदमी हीरे ले उड़े थे। तीनों, तीनों को हमारी दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। इसकी लाश को इसके घर वालों के हवाले कर दो। क्या बात है निशा, इतने दिनों से तुम कॉलेज क्यों नहीं आई? अब कहीं आने जाने का जी नहीं करता ज्योति, दिल करता है कहीं जाके अपनी जान दे दूं। अरे यहाँ मेरी जान पे बनी है और तुझे हंसी आ रही है? हंसने की बात जो है, अरे उस दिन कुछ नहीं हुआ था, वो सब तो आनंद ने तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था, उसने तो तुम्हें छुआ तक नहीं। क्या? हाँ, लेकिन थम्सअप तो उसने भी पिया था। नशा तो उससे भी चढ़ा था, लेकिन उतना नहीं जितना तुम्हें। अब देखना मैं उसका नशा कैसे उतारती हूँ। आनंद। अरे निशा, कहाँ थी तुम इतने दिन? मैं तो तुम्हारा रोज इंतजार करता था। एक मिनट इधर आओ ना। क्यों? आओ ना। चलो।
क्या हुआ? अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं क्या हुआ? जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। पता भी तो चले क्या हुआ? 5 दिन ऊपर हो गए। 5 दिन ऊपर हो गए? किस बात के 5 दिन ऊपर हो गए? इतना भी नहीं समझते? कभी कभी उल्टी आने के जैसा लगता है और कच्चे आम खाने का भी दिल करता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे उस दिन तो कुछ भी नहीं हुआ था। हुआ कैसे नहीं था? तुमने तो उस दिन कहा था कि थम्सअप ने सब गड़बड़ कर दिया। आजकल चेट एज का जमाना है, जो कुछ भी होता है छटके में हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल की बात तो ये है कि मेरे पापा को सब कुछ मालूम पड़ गया है। मर गए, मर गए। और वो बड़े गुस्से में है, कब क्या कर डाले पता नहीं। इससे पहले कि वो कोई कदम उठाए, तुम कुछ करो ना। ओके बाय, सी यू, टाटा। इसका मतलब है हम सबने सब कुछ कर दिया? नहीं नहीं नहीं, हेलो। तुम या? इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। अब जब तुम्हारे डैडी को पता चल ही गया है तो मैंने सोचा कि उनके पास चलकर तुम्हारा हाथ मांग लूं। कहाँ है तुम्हारे डैडी? वो किसी काम से बाहर गए, तुम फिर किसी दिन मिल लेना। नहीं नहीं, मैं तो मिल के जाऊंगा। तुम्हें क्या मालूम कितनी हिम्मत जुटा कर आया हूँ, कितनी रिहर्सल किया मैंने उनके सामने कहने के लिए। कहो तो तुम्हें बताऊँ? नहीं नहीं, ठीक है। तो तुम कहाँ जा रहे हो? अरे ऐसा सीन तैयार किया है कि बड़े बड़े लव स्टोरी के सीन उसके सामने फीके पड़ जाएंगे। हाँ। तुम्हारा रंग क्यों पीला पड़ रहा है, क्या हुआ? कुछ नहीं। आ? सुनो, वो सब जो मैंने उस दिन कहा था ना, वो सब मजाक था। मजाक कैसे हो सकता है? अरे वो थम्सअप तो तुमने भी पिया। हाँ। था और मैंने भी। हाँ। लेकिन वो थम्सअप ऐसा घोटाला करेगा कि मैं सोच भी नहीं सकता था। अरे बाबा, उस दिन कोई घोटाला नहीं हुआ था, वो सब मैंने झूठ बोला था। तुम जाओ ना यहाँ से। झूठ? तो फिर आप सच बोल दो ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। एक बार बोलो, 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 जल्दी बोलो। छोड़ो ना प्लीज। कौन है बेटी? जी मैं हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम कहो तो। नहीं नहीं, तुम जाओ यहाँ से, उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ बेटी, क्या बात है यंग मैन? जी मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। नहीं नहीं पापा, ये कुछ मांगने वांगने नहीं आए हैं। कमाल करती हो, ये कह रहा है कि कुछ मांगने आया और तुम कह रही हो कि कुछ मांगने नहीं आया। आखिर ये क्या गोरख धंधा है? तुम चलो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ बोलो क्या बात है। जी निशा ने कहा था कि पापा से मांग लेना, वो इनकार नहीं करेंगे। बच्चे का सवाल है ना। बच्चे का? अगर आपने इनकार कर दिया तो वो नन्ही सी जान का क्या होगा? मैं कुछ समझा नहीं। जिसे आपने देखा ही ना हो उसे आप कैसे समझ सकते? देखो जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। डोंट वेस्ट माय टाइम, मुझे एयरपोर्ट जाना है। एक छोटा सा मासूम बच्चा कैंसर की बीमारी से अस्पताल में पड़ा, उसके इलाज के लिए डोनेशन चाहिए। लाइए। क्या नाम है तुम्हारा? जी आनंद शर्मा, समाज कल्याण संस्था का अध्यक्ष हूँ जी। काय का? जी समाज कल्याण अध्यक्ष। बड़ा डिफिकल्ट नाम है। जी हाँ। कहाँ पर है ये संस्था? जी वो झूपे बंगला नंबर 5 10th रोड। ये लो 1000 रुपया भर दिया है, कम तो नहीं? जी नहीं, आज तो मुझे ऐसा डोनेशन मिला है जो मुझे पहले कभी नहीं मिला। एक्सक्यूज मी मैडम, आपका फोन है। छोड़ो गुस्सा जाने जाना, छोड़ो गुस्सा जाने जाना, प्यार की बातें सुन ले यारों में तुझे।
चुन लिया मैंने, लाखों में तुझ चुन लिया मैंने, तू भी मुझको चुन ले, चुन ले ओ मेरी जानम। कितनी हूँ मैं उड़ जाऊंगी, कितनी हूँ मैं उड़ जाऊंगी, जाना जितने चुन ले हाथ मेरे, मैं आऊंगी हाथ मेरे, मैं आऊंगी तू भी ओ दीवाने। छोड़ो गुस्सा मैं जाने जाना, एक बार खुदर बैठा फिर करूंगा ना गुस्ताखी, एक बार कान पकड़ के मांग रहा हूँ, दे दे मुझको, दे दे मुझको, दे दे मुझको माफी, धन करता दिल ये मेरा, धन करता दिल ये मेरा, दिल की धड़कन सुन ले, सुन ले ओ मेरी जानम। छोड़ो गुस्सा हाय जाने जाना, तू झूठा है मानो कैसे, झूठी बातें तेरी, अच्छा ये बात है। आप और यहाँ? मैंने सोचा चलकर तुम्हारी समाज कल्याण संस्था देख लूं जी, और उस मासूम बीमार बच्चे का हाल भी पूछ लूं, कैसा है वो? वो बिल्कुल ठीक है, कल उसका ऑपरेशन हो गया और आज उसको हॉस्पिटल से छुट्टी भी दे दी। वाह, इतनी जल्दी ऑपरेशन भी हो गया और छुट्टी भी दे दी? जी वो चेटीज का सवाल है ना, तो हर काल झटके से हो जाता है। वैसे आपकी ये संस्था भी काफी झटकेदार है, मुझे अपने दूसरे मेंबरों से मिलवा दीजिए। जी आज सब छुट्टी पर है, एतवार है ना? पर खुददार आज सोमवार है। जी हमारी संस्था में तो सोमवार को ही छुट्टी होती है। कौन है आनंद जी? वो कैलाशनाथ जी आप आइए। अरे आई जी सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी ये मेरा घर है और ये मेरा भतीजा आनंद जी। आनंद जी मेरा भतीजा, कैसे आना हुआ? ऐसे आके घूमते फिरते क्यों अंकल, घूमते फिरते आए ना? सोचा आज घूमते फिरते आपका कल्याण करते हैं। कल्याण?
पर आप खड़े क्यों हैं? आइए ना, बैठिए, आइए। आईपी साहब, आपका भतीजा बड़ा होनहार है। वो तो है। इतनी छोटी सी उम्र में समाज कल्याण संस्था का अध्यक्ष बन गया है। समाज कल्याण संस्था का अध्यक्ष? हाँ। ये? हाँ। आनंद। जी अंकल। इधर आओ। आपको कोई गलत फहमी हुई है कैलाशनाथ जी, आनंद तो कॉलेज में पढ़ता है। जी हाँ, मेरी बेटी निशा भी उसी कॉलेज में पढ़ती है। अच्छा अच्छा। और ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते भी हैं। हाँ। आपका मतलब है कि ये एक दूसरे से? जी हाँ वही। हाँ, क्या सच है? जी वो कल मैं वो बरदार, मैं तो कल ही समझ गया था कि तुम डोनेशन नहीं कुछ और मांगने आए हो। मैं तुम्हें वो भी सौंप सकता हूँ अगर आईजी साहब उसे अपने घर की बहू बनाने को तैयार हो जाएं तो। कैलाश जी, अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो मुझे क्या इतराज हो सकता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। जी? जी। ये शादी तब होगी जब ये पुलिस ऑफिसर बन जाएगा। ओ अंकल, आई लव यू, यू आर ग्रेट। मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, संस्था से इस्तीफा। और अंकल ये रहे आपके डोनेशन के पैसे। बेटे, ये लड़की वालों की तरफ से शगुन। अरे इतना जल्दी फैसला? यस सर, चैकेज का जमाना जो है। हेलो। हेलो निशा, मैं अमेरिका से दीपक बोल रहा हूँ। हाय दीपक, कैसे हो तुम? एग्जाम्स खत्म हो गए तुम्हारे? डिग्री मिल चुकी है, अब ये दीपक कौशल डॉक्टर दीपक कौशल बन चुका है। और हाँ, मैं कल की फ्लाइट से बॉम्बे आ रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ कोई बीमार नहीं है। कोई बात नहीं, हम बीमार होकर खुद ही अपना इलाज कर लेंगे। आ जाइए, हम एयरपोर्ट पे एम्बुलेंस लेके आपको रिसीव करने आ जाएंगे। अच्छा निशा, मेरा फ्लाइट नंबर है AI 111। अच्छा, कल एयरपोर्ट पर मिलते हैं। अंकल को मेरी तरफ से नमस्ते कहना। ओके बाय। ओके बाय, सी यू। बेटी, किसका टेलीफोन? दीपक का। अच्छा, उस अमेरिकन बाबू का? क्या कह रहा था? पापा, कल वो अमेरिका से वापस आ रहा है, हम उसे रिसीव करने एयरपोर्ट चलेंगे ना। मैं क्यों जाऊँ, तुम्हारा बचपन का दोस्त है, तुम जाना। पापा। अरे बेटी, तुझे तो पता है कल फ्राइडे है, और फ्राइडे को एयरपोर्ट पर इतनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं कि काम करते करते मरने के लिए भी एक मिनट की छुट्टी नहीं मिलती। ऐसा करना, तू उसे रिसीव कर लेना, उसे खाने पर इनवाइट कर लेना, खाना इकट्ठा खाएंगे। ओके पापा। राइट। मैं आई हैव योर अटेंशन जेंटलमैन, इमरजेंसी तौर पे यह खुफिया मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि हमें CBI से अभी अभी खबर मिली है कि कल की एयर इंडिया फ्लाइट 111 से सर जॉन के 50 करोड़ के हीरे अमेरिका से इंडिया आ रहे हैं। हमेशा की तरह बच के निकल जाने वाला सर जॉन और उसके आदमी इस बार बच नहीं पाएंगे, क्योंकि अब की बार CBI चौकन्नी हो चुकी है। CBI की तरफ से ऑफिसर नीलकंठ सहाय को इस केस का चार्ज दिया गया है। हमारी पुलिस को उसकी मदद करनी है, क्योंकि नीलकंठ सहाय इंडिया आ रहा है। हेलो हाजी साहब, मैं नीलकंठ साय बोल रहा हूँ। सर जॉन, टीनू और पीटर की फाइल्स मुझे मिल चुकी है। मेरी फर्दर जो भी एक्टिविटीज होंगी मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। ओके सर। ओके, गुड लक। ये खिलौना नहीं, अमेरिका का स्मगलर जकार्तो है, जो कल फ्लाइट नंबर AI 111 से हमारे 50 करोड़ रुपए के हीरे लेकर इंडिया आ रहा है। जिस तरह ये खिलौना बैसाखी पर चल रहा है, उसी तरह जकार्तो के हाथ में भी बैसाखी होगी, और यही उसकी पहचान है। अंडरस्टैंड? ओवर। Thank you.
एक्सक्यूज मी, यस, जरा हम इस डाल को पकड़ेंगे। ओशो, ये सब चलकर ले जाने में बहुत दिक्कत होती है, मैं इसे लॉबी में ले लूंगा आपसे। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। Passenger flight number AI111 has arrived from New York via Frankfurt, London. Thank you. You are under arrest, Mr. Jakarto. Please, आप हमारे साथ आइए। Come on, आइए। Hi दीपक। Hi निशा। कैसे हो? Fine। रास्ते पर सोचता रहा, तुम मुझे एयरपोर्ट लेने आओगी या नहीं? क्यों? अमेरिका में रह के हिंदुस्तानी लोगों पर से भरोसा उठ गया क्या? हिंदुस्तानी लोगों पर ही तो भरोसा है, इसलिए तो वापिस आ गया। चलो चलो। लगता है गुड़िया से खेलने की आदत अभी गई नहीं तुम्हारी। क्या मतलब? अरे अमेरिका से गुड़िया जो लेके आ रहे हो। अरे ये तो एयरपोर्ट में मुझे किसी आदमी ने दी थी, कहाँ गया वो? किसी की अमानत संभालने की बस एक यही तो प्रॉब्लम है, अब मैं कहाँ ढूंढूं उसे? तो क्या हुआ, गुड़िया ही तो है, खेलते रहना। तुम भी खेलती रहना जब तक वो इसे वापस लेने नहीं आता। अच्छा बाबा, अब यहीं खड़े रहोगे या चलोगे? आज इस नाचीज को गाड़ी से हॉस्टल तक छोड़ दीजिए। क्यों, घर नहीं चलोगे? मेडिकल रिसर्च वालों ने मेरी बुकिंग हॉस्टल में पहले से करवा दी है। अच्छा ठीक है, आज तो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, लेकिन कल रात को घर जरूर आ जाना, पापा ने तुम्हें डिनर पे बुलाया है। ओके ओके। जकार्तो पकड़ा गया सर जॉन, लेकिन हीरे अभी तक पुलिस को बरामद नहीं हुए। इसका मतलब जकार्तो को पता चल गया था कि पुलिस उसके पीछे है, और पकड़े जाने से पहले ही हीरे उसने एयरपोर्ट से बाहर निकाल दिए। यस सर जॉन। अगर वो हीरे पुलिस को नहीं मिले तो वो हीरे है कहां? सॉरी बेटे दीपक, एयरपोर्ट पर होते हुए भी मैं तुम्हें रिसीव नहीं कर सका, क्या करें, ये कस्टम वालों की ड्यूटी कुछ ऐसी सख्त है। खैर तुम बताओ, अमेरिका में खूब एंजॉय किया? बिल्कुल नहीं चाचा जी, सारा दिन किताबों में उलझा रहता था, एंजॉय करने का वक्त ही नहीं था, लेकिन जगह इतनी खूबसूरत है कि दिल करता है कि बस वहीं जाके सेटल हो जाऊं। तो फिर वहीं क्यों नहीं सेटल हो गए? वतन की मिट्टी और अपनों की जात की कीमत वहां जाके ही पता चलती है। पापा मुझे लगता है दीपक अमेरिका से डॉक्टरी नहीं शायरी सीख कर आया है। लेकिन जो मैंने कहा है सच कहा है। दीपक बातें कम करो, चुपचाप खाना खाओ। कैसे चुप रहो चाचा जी, अपनों की दूरी से कितना दर्द होता है ये तो प्रदेश जाके ही पता चलता है। हेलो। अरे निशा। आनंद। अभी तक जाग रही हूँ। तुम भी तो जाग रहे हो, इतनी रात तक जाकर क्या कर रहे हो? यहाँ दिन रात का पता ही कहाँ चलता है, ये पुलिस ट्रेनिंग ने तो नाक में दम कर दिया है। एक तरफ ये ट्रेनिंग सताती है और दूसरी तरफ तुम्हारी याद, जानती हो इन सब से परेशान होकर मेरे दिल ने बगावत कर दी है और मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तुम्हें अपने दिल का हाल बयां करूं, समझी? मेरे दिल का हाल भी तो सुन लो, वो आंखें जिनकी तुम हमेशा तारीफ किया करते हो आज तुम्हारे ख्वाब देखने के लिए तरस रही है। ये बात है तो मैं तुम्हें अपने सपने भेज रहा हूँ, तुम उन्हें अपनी खूबसूरत पलकों की छांव में रख लेना। Thank you.
आजा मेरी दिल भर जानी, आजा आजा मेरे दिल भर जानी, मीठी मीठी प्यार की तू छेड़ ले कहानी, तुझे मेरी कसम और तुझे मेरी कसम, मेरे दर की कसम, आजा आजा मेरे सपनों की रानी, जीनी जीनी खुशबू है कितनी सुहानी, तुझे मेरी कसम ओ तुझे मेरी कसम, मेरे सर की कसम, आजा है आजा 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 रुद अलबेली हो, आजा सर, नहीं सर, 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 सर
मिस्टर जकार्तो, आपको सर जॉन ने बुलाया है। अच्छा जी, लो हटो। ये क्या हुआ? पीछे भी बैठो नीचे। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? बताओ। तो भाई जकार दो ना नागराज ना, इन्हें दस्ता है, ये हमारे मेहमान है, इनकी मेहमान नवाजी का हक सिर्फ मेरा है, नहीं दस्ता नहीं। शाबाश जकार्तो, इससे पहले कि हम आपकी खातिरदारी करें, हमें बता दो कि हीरे कहाँ हैं? कौन से हीरे? वो हीरे जो तुम सर जॉन के लिए अमेरिका से लाए थे। मैं कोई हीरे लेकर नहीं आया, अगर हीरे मेरे पास होते तो पुलिस मुझे क्यों छोड़ती? पुलिस तुझे छोड़ सकती है मगर तीनों नहीं। तू जानता नहीं है, मेरे सामने मुर्दे भी बोलने लगते हैं। तू तो सीधा इंसान है, बता दे हीरे कहाँ है, बोल। मैं किसी भी हीरो के बारे में नहीं जानता। लगता है तुम हमें खातिरदारी करने पे मजबूर करके ही रहोगे, और तुम्हारी खातिर तुम्हारी खातिरदारी हम इस खेल से करेंगे। नंबर दो, खातिरदारी पसंद आई? बता दे हीरे कहाँ है, बोल। मुझे मालूम नहीं। देख, मैं इस बार इसे फेंकूंगा, अगर नंबर एक आया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, आजाद कर दूंगा। अब तुझे मैं तो क्या भगवान भी नहीं बचा सकता। छह नंबर में इतनी वोल्टेज है कि तेरे पीछे लगी हुई सीढ़ी भी पिघल जाएगी। ठहरो ठहरो ठहरो, मैं बताता हूँ। वो हीरे एक गुड़िया में है, वो गुड़िया एक दीपक नामक आदमी के पास है। एयरपोर्ट पर वो गुड़िया पुलिस से बचाने के लिए मैंने ही उसे दे दी थी। दीपक कहाँ मिलेगा? वो 8 नंबर वाले को इंजेक्शन दे दिया। हाँ, टेटनस का भी दे दिया। डॉक्टर दीपक, पहचाना? मेरा नाम जकार्तो है, उस दिन एयरपोर्ट पर हम मिले थे। अरे हाँ, याद आया, एयरपोर्ट पे आपने मुझे एक गुड़िया दी थी। हाँ। उस दिन के बाद आप मिले ही नहीं। हाँ, जल्दी जल्दी में उस दिन मैं वो गुड़िया लेना भूल गया, आज वही लेने आया हूँ। असल में अमेरिका से वो गुड़िया मैंने अपने बेटे के जन्मदिन पर उसे देने के लिए लाई थी, और आज उसका जन्मदिन है,
हम लोग भी बाबा का बर्थडे अटेंड करने के लिए अमेरिका से आया। अरे हाँ याद आया, वो गुड़िया मेरी फ्रेंड निशा क्या रखी है, वही होगी। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको गुड़िया दे देता हूँ। आइए आइए। That's very nice. Wait a moment, मैं अभी अंदर होके आता हूँ। Okay. निशा? अरे दीपक, तुम यहाँ अचानक? याद है एयरपोर्ट से लौटते वक्त मैंने तुम्हें एक डॉल दी थी? हाँ। कहाँ है वो? वो यहीं कहीं होगी, अभी चाहिए क्या? हाँ दरअसल जिस आदमी ने एयरपोर्ट पे मुझे वो डॉल दी थी वो उसे वापस लेने आया, उसे वो अपने बेटे के बर्थडे पर प्रेजेंट करना चाहता है। अच्छा हाँ वो तो डाइनिंग हॉल में है, आओ। ये अरे यही तो रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं रामू और लक्ष्मी को पूछती हूँ और ऊपर जाके देख भी लेती हूँ। रहने दो निशा, परेशान मत हो, बाद में देख लेना, मैं उन लोगों को समझा दूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। क्या हुआ? आई एम सॉरी सर, गुड़िया मैंने निशा को दी थी, वो कहीं रखकर भूल गई। हमने बहुत तलाश की लेकिन मिली नहीं, आप चाहें तो मैं उसकी कीमत दे दूं। डॉक्टर दीपक, तोहफे का कोई कीमत नहीं होता, हमें तो वो एक गुड़िया चाहिए। देखिए मैं शर्मिंदा हूँ, फिर भी हम उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं आपके घर तक पहुँचा दूंगा। नहीं उसका कोई जरूरत नहीं, हम खुद आपको कॉन्टेक्ट करेगा। थैंक यू। लेकिन आपकी बैसाखी? बैसाखी नहीं, अब उसकी कोई जरूरत नहीं, टांग में थोड़ा फ्रैक्चर था, ठीक हो गया। सी यू। सुनो, जकार्तो को ले जाके काली खंभा वाले बंगले में बंद कर दो, ले जाओ। मुझे शक है कि उस लड़की को कुड़िया के अंदर के हीरे मिल गए हैं और वो डॉक्टर दीपक को कुड़िया ना मिलने का बहाना कर रही है। तो क्या करना चाहिए? फिलहाल तो हम यहाँ पर उस लड़की का इंतजार करेंगे। देखिए मुझे वो छोटा सा चीज डॉल यानी वो गुड़िया जो आप अपना घर में रख कर भूल गया है, मुझे वो ही डॉल चाहिए। मैंने वो गुड़िया ढूंढी थी पर मुझे कहीं नहीं मिली। देखिए मैडम प्लीज आप थोड़ा याद कीजिए, मुझे वो गुड़िया चाहिए। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम वो गुड़िया कहाँ है। देख लड़की बहुत हो गया ड्रामा। Stop.
तो उधर देख। जरूर यहीं कहीं छुपी है तो ढूंढो जा। मुझे मालूम है तू यहीं कहीं छुपी हुई है। चुपचाप बाहर आ जा, बाहर आ जा। मेरे तीन गिनने तक अगर तू बाहर नहीं आई तो गोली मार दूंगा, सब तरफ गोलियां चला दूंगा। एक, दो, तीन। कैलाशनाथ जी, निशा की आंखों के एक्सरेज और बाकी टेस्ट देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जहरीली गैस का असर उसकी आंखों पर इतना अधिक हुआ है कि अब ऑपरेशन करने का कोई फायदा नहीं। मतलब निशा की आंखों का रेटिना पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। डॉक्टर, कुछ भी कीजिए प्लीज, मेरी बेटी की जिंदगी अंधेरी होने से बचा लीजिए। डॉक्टर, क्या स्टेज पर आई प्लांटेशन नहीं हो सकता? हो सकता है, अगर कोई अपनी आंखें डोनेट करे तो। डॉक्टर, आपके आई बैंक में? कैलाशनाथ जी, इस वक्त हमारे आई बैंक में आंखें अवेलेबल नहीं है। और डॉक्टर दीपक, यू नो कि आई डोनेशन हिंदुस्तान में कितना मुश्किल काम है। डॉक्टर, आप मेरी आंखें दे दीजिए, लेकिन मेरी बेटी की आंखें ठीक कर दीजिए। अंकल, अगर आप इस तरह हिम्मत हार जाएंगे तो सोचिए फिर निशा का क्या होगा। पापा। अरे बेटी, तू रो रही है, अरे सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी डॉक्टर से मिलकर आ रहा हूँ, उसने कहा है कि बस कुछ ही दिनों में। नहीं पापा, मुझे नर्स ने सब कुछ बता दिया है, भगवान को शायद यही मंजूर था। भगवान को अपना फैसला बदलना होगा, जिस स्याही से उसने तेरी किस्मत लिखी है वो इतनी गाढ़ी नहीं हो सकती कि एक बाप के आंसू उसे धो ना सके। मेरी नन्ही सी जान को इतना बड़ा दुख देने का उसे कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। पापा, जब ऊपर वाला दुख देता है तो उसे सहने की शक्ति भी तो देता है।
इन आंखों के भी तो लाखों लोग जी रहे हैं ना पापा, उनमें से एक आपकी बेटी भी सही। नहीं बेटी नहीं, मैं अपनी आंखें दे दूंगा लेकिन तेरी आंखें भी। मुझे आपकी आंखें नहीं, आपका सहारा चाहिए। और एक वादा भी, आनंद को इसके बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए, और अगर वो आपके पास आए तो उसे कह देना कि वो किसी और से शादी कर ले। मैं अपनी अंधेरी जिंदगी का बोझ उस पर डालकर उसकी जिंदगी में अंधेरा नहीं करना चाहती। वादा है ना पापा? मैं वादा करता हूँ, लेकिन एक वादा और करता हूँ कि जिन लोगों के कारण तेरा ये हाल हुआ है, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। कौन हो तुम लोग? किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। राम साधो कुत्तो, तुम लोग हो कौन? हटाओ तुम्हारे ये बंदूकें। तुम लोग मेरे हाथ खोल के देखो, मैं कहता हूँ तुम लोग कौन हो? राम साधो हटाओ, हटाओ ये बंदूकें। तुम लोग हो कौन? तुम सर जॉन के यहाँ हो, तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला सरजान करेंगे। मैं सरजान के चमचे, आज तक उसका माल लूटा है, आज उस हरामजादे को भी देख लूंगा। छोड़ के तो देखो मुझे, मरने को छोड़े मुझे। आज जी सूर्यकांत सर जॉन, बहुत दिनों से मुझे तेरी तलाश थी टीनू। तेरी आंखों ने हमारे चुराए हुए हीरो की चमक बहुत देखी है, लेकिन अब हम तेरी आंखों का ऐसा हाल बना देंगे कि आज के बाद तेरी आंखें कुछ नहीं देख पाएंगी। इसको उठाकर समुंदर में फेंका ताकि इसका गंदा मांस मछलियां और समुद्री जानवर नोच नोच के खा लें। यू आर अंडर अरेस्ट आई जी सूर्यकांत शर्मा। कौन हो तुम? आई जी के घर में इस तरह तुमने आने की हिम्मत कैसे करी? आई जी के घर ना सही, लेकिन अपने अंकल के घर तो आ सकता हूँ। अरे तू देख क्या रहा है, चल एक मेरे सीने से आ जा। नहीं बेटा, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो पाँव नहीं छूते, सीने से लग जाते हैं। बड़े तो सभी होते हैं, लेकिन कोई बड़ों से बड़ा कभी नहीं होता। कमाल कमाल जीता, फक्र है मुझे तुझ पर। आज अगर भैया भाभी जिंदा होते तो अपने सपने को सच होता देखकर कितना खुश होते। अच्छा ये तो बताओ कि तुमने आते ही पहली हथकड़ी हमारे सामने क्यों कर दी? क्योंकि आप एक बहुत बड़े मुजरिम हैं। क्या जुर्म हुआ है हमसे? अरे दो प्यार करने वालों को आपने इतनी दूर इतने दिन रखा। हाँ भाई, ये जुर्म तो हुआ है हमसे। अब तुम दोनों की शादी करवा के अपने जुर्म का जुर्माना भर देते हैं। हाँ। है? और उस जुर्माने की पहली किश्त अभी अदा कर देते हैं। वो कैसे? अपने प्यारे भतीजे को उससे मिलने की इजाजत देकर। अंकल यू आर ग्रेट। अरे अरे कहाँ जा रहा है वो? उससे मिलने। हाँ लेकिन कपड़े वपड़े तो बदलो। नहीं अंकल, आज मुझे उसे बताना है कि अब मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। राइट कैप। निशा, 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 कहाँ चले गए ये लोग?
अरे निशा, मैं आनंद बोल रहा हूँ। मेरी जाने बाहर गुले गुलजार, कैसी हो तुम? तुम्हारा ये आशिक पुलिस वाला बन चुका है। मैं तुम्हारे घर भी गया था, तुम लोग थे ही नहीं, कहाँ गए थे? अरे निशा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? बोल भी तो जाने मन, हम तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस चुके हैं। अरे निशा, निशा, पापा, बेटी, किसका टेलीफोन था? आनंद का। मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ। लाइन कट गई थी यार। अच्छा अभी तुम कुछ मत बोलो, मैं अभी आ रहा हूं तुम्हारे पास। क्या बात है निशा? आनंद का फोन था, वो मुझसे मिलने आ रहा है। तो दीपक, तुम्हें याद है बचपन में हम गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते हुए ऐसी बातें किया करते थे जैसे हम दोनों में बहुत प्यार हो। आज फिर वही खेल खेलना है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त उस खेल के गवाह हम दोनों थे और आज आज उस खेल का गवाह आनंद होगा। निशा, तुम्हें मेरी याद आती थी? याद तो उसे किया जाता है जिसे कोई भूला हो। दिल तो वही था तुम्हारे पास, यहाँ तो सिर्फ धड़कन थी जो हर घड़ी तुम्हारे नाम का संगीत सुनाती थी। मेरी आंखों के सामने भी हर वक्त तुम्हारा ही चेहरा रहता था और अब मैंने फैसला कर लिया है। इस चेहरे को मैं अपने से एक पल के लिए भी दूर नहीं होने दूंगा। कैसे? शादी के बंधन में बांधकर हमेशा के लिए अपने साथ अमेरिका ले जाऊंगा। दीपक, आई लव यू। आई लव यू टू निशा। हाँ, आज की दुनिया में इंसान इतनी जल्दी अपना चेहरा बदल लेते हैं, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। जो कुछ तुमने इससे कहा वो कभी मुझसे भी कहा था। अरे क्या कमी थी मेरे प्यार में जो तुमने मेरा साथ छोड़कर इसका हाथ थाम लिया। कौन है निशा? मेरे कॉलेज का एक साथी, हम लोग साथ साथ पढ़ते थे। क्या हम सिर्फ साथ साथ ही पढ़ते थे? इसके अलावा तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं था? कॉलेज में साथ पढ़ने वालों का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का होता है और कुछ भी नहीं। मेरी तरफ देख कर बात करो, अगर आंख नहीं मिला सकती तो अपने दिल से पूछो कि क्या रिश्ता था तुम्हारे और मेरे बीच। काश मुझे पहले मालूम होता कि जिसे मैं मोहब्बत की देवी समझता था वो बेवफाई की ऐसी तस्वीर है जिसके सब रंग झूठे हैं। बेवफा, तुझे अपना बना के मैंने, तुझे दिल में बना के मैंने, तुझे अपना बना के मैंने, तुझे दिल में बसा के मैंने। की है ये भारी खता बेवफा मेरी, बफादा दिया क्या दिला बेवफा, जो भी सजा मेरी तरफ,
मेरे करम तेरी कसम मैं हूँ बाबा सर। आनंद तुम क्या बात है? सर मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने आया हूं। आप मुझे कोई ऐसा काम दीजिए जिसमें खतरा ही खतरा हो। पुलिस की नौकरी तो होती ही है खतरों से खेलने के लिए। मौत हमेशा साए की तरह साथ रहती है। साए की तरह नहीं, धड़कन की तरह मौत को अपने साथ रखना चाहता हूं। वेरी गुड, मुझे यकीन है कि तुम पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत नाम कमा गए। बैठो। थैंक यू सर। मैं तुम्हें एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल केस दे रहा हूं आनंद। ये फाइल सीबीआई ऑफिसर नीलकंठ सहाय की है। वो सर जॉन टीनू और पीटर गोंजाल्वेस तक पहुंचना चाहता था, लेकिन न जाने कुछ ही दिनों से लापता है। सर जॉन के जो 50 करोड़ के हीरे इंडिया आए थे, नीलकंठ सहाय उन हीरो के बारे में सब कुछ जानता है, इसलिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है वो, क्योंकि हम सिर्फ नीलकंठ सहाय के जरिए उन हीरो तक पहुंच सकते हैं। मुझे करना क्या होगा? वो आदमी कहां है इसका तुम्हें पता लगाना होगा, और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हें मिले उसकी खबर किसी और को नहीं सिर्फ मुझे दोगे। सर उस आदमी की आखिरी सूचना आपको कहां से मिली थी? वायरलेस पर, रेती बंदर से। के लिए काम करता हराम साते, पता वरना मैं तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। किडी साहब के लिए कहाँ मिलेगा टीनू? उसका पता सिर्फ किडी ही बता सकती है। किडी कहाँ मिलेगी? वो ब्लूमून होटल की डांसर है, हर शाम 8 बजे वो वहाँ डांस कर रहती है। गुड बॉय, चल अब देखता हूँ। अबे ओ टीनू के चमचो, कहाँ गया वो तुम्हारा सपेरा टीनू? मर गया क्या? नहीं, टीनू तब तक नहीं मर सकता जब तक उसे हीरे नहीं मिल जाते। लोहे से भी सख्त जान है इस टीनू वर्मा की। अरे टीनू, तेरे आंख को क्या हो गया? कौवा ले गए क्या? ये हीरो के चक्कर में सर जॉन ने छीन ली। मुझको मिटा सके ये सर जॉन में दम नहीं। वाह टीनू वाह, क्या डायलॉग मारा है, थोड़ी सी एक्टिंग भी सीख ले, शायद किसी नौटंकी में चांस मिल जाएगा। जकार्तो, टीनू के सामने इतनी बकवास करके तो इसलिए जिंदा है कि
क्योंकि हीरो वाली गुड़िया हासिल करने के लिए मुझे तेरी जरूरत है। बस एक बार गुड़िया मिल जाने दे, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। ए, खोल के लाओ इस जोकर को मेरे साथ, अब हमें वहां जाना है जहां वो हीरो वाली गुड़िया है। तीनू, स्मगलिंग करने से पहले तुम किसी बंगले की चौकीदारी करते थे क्या? क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं कर रहा हूँ, पिछले आधे घंटे से तुम इस बंगले की चौकीदारी ही तो कर रहे हो। अगर डॉल ढूंढनी है ना तो बंगले के अंदर जाओ, या सिगरेट पीने से क्या फायदा है? अबे अकल के अंधे, लड़की का बाप घर से बाहर जाएगा, उसके बाद हम घर में जाके पूरा कर जान मारेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, ऐसी मेहनत करो, थोड़ी कमर हिलाओ कमर, तभी तरक्की कर पाओगे। 50 करोड़ के हीरे की बात है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। हाँ, लेकिन कभी कभी ज्यादा गुड़ खाने से डायबिटीज भी हो जाती है, जो आदमी की जान लेती है जान। चुप भी बैठेगा या नहीं? अरे मुझे चुप करने से डायबिटीज थोड़ी रुकेगी, वो तो होगी। चुप काले कौवे, बुढ़िया का सवाल ना होता तो तुझे जान से मार देता। देख लड़की का बाप गया कि नहीं। पापा की परफ्यूम की खुशबू। पापा? हाँ। क्या बात है पापा, आज आप ड्यूटी पे नहीं गए? तुझे रात को अकेले में छोड़कर जाने को दिल नहीं मानता, और फिर तूने आज रामू और लक्ष्मी को भी छुट्टी दे दी। आप फिक्र क्यों करते हैं पापा, अब तो मुझे आदत सी पड़ गई है। इस घर में कौन सी चीज कहाँ पर है मैं सब बता सकती हूँ। बेटी, ये बेजान चीजें तेरा अकेलापन तो नहीं बांट सकती। देखिए पापा, अब बहुत हो चुका, ये रही आपकी कैप, लीजिए और ऑफिस जाइए। लेकिन बेटी, लेकिन कुछ नहीं, आपको मेरी कसम। अपनी कसम मत दे बेटी, तू जो कहेगी मैं मानूंगा, पर अब तुझे भी मेरी एक बात मानना पड़ेगी कि आज के बाद तू मुझे अपनी कसम कभी नहीं दिलाएगी, समझी? सीढ़ी, हाँ, अपना ख्याल रखना, और अगर कोई भी बात हो तो मुझे ऑफिस में टेलीफोन कर देना। ये दरवाजा अंदर से ठीक तरह से बंद कर देना। ए, चलो इस पर निगाह रखना, ज्यादा बकबक करे तो सिर्फ धुलाई करना। हेलो निशा, मैं दीपक, मालूम है आज कौन सा दिन है? तुम्हारा जन्मदिन मैं कैसे भूल सकती हूँ दीपक। घर आके देखो मैंने तुम्हारे लिए कितने खूबसूरत फूल रखे हैं। ठीक है, मैं 10 बजे तक आता हूँ, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। देखो ना मत करना, आज हम डिनर करने किसी होटल में जाएंगे, तुम तैयार रहना, चलोगी ना? अच्छा, बाय बाय।
जिसने आपको कमाडा मिल से जख्मी हालत में हॉस्पिटल तक पहुंचाया था। लेकिन आप हैं कौन? वैसे तो हम सब अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताते, लेकिन बताना जरूरी हो गया है। मैं सीबीआई इंस्पेक्टर हूं। सॉरी निशा, इट्स सो लेट, लेकिन मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने आया हूं। जी आइए। देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कुछ लोग एक डॉल के लिए तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार कर ही लेगी, मगर इसके लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अगर उन गुंडों के बारे में तुम कुछ भी जानती हो तो हमें बता दो। लेकिन वो लोग तो उस दिन के बाद मुझे मिले ही नहीं दोबारा। अच्छा, वो उस डॉल के बारे में कुछ पता चला? जी नहीं। देखिए, जरा याद करने की कोशिश कीजिए कि वो डॉल कहाँ हो सकती है। वो डॉल हम पुलिस वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी के जरिए हम ये जान सकते हैं कि उसमें ऐसा कौन सा रहस्य है जो इतने लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। एक बात और याद रखिए, उस डॉल के बारे में अगर आपको कुछ भी पता चले तो बात सिर्फ पुलिस को बताइए। जी हाँ। और हाँ, वो आपके घर के आसपास पुलिस का पहरा है। अगर आपको अचानक मदद की जरूरत पड़ जाए तो ये इस टॉर्च से पिछली खिड़की से ऑन ऑफ का सिग्नल दे दीजिएगा। जी। वो सिग्नल देखते ही पुलिस तुरंत आपकी मदद के लिए आ जाएगी। जी अच्छा। वन मोर थिंग निशा, अपने घर के सारे खिड़की और दरवाजे लॉक कर लेना। हाँ। ऐसा ना हो कि वो गुंडे तुम्हारे घर में घुस आए। थैंक यू इंस्पेक्टर। गुड नाइट। गुड नाइट। Thank you.
मेरा नहीं आए, मुझे सुनो। दोबारा अगर ऐसा किया तो इस लड़की की तरह तुझे भी अंधा कर दूंगा। कभी कहे दिल दे दे, कभी कहे जान दे दे, कभी कहे दिल दे दे, कभी कहे जान दे दे, कभी कहे ये दे दे, कभी कहे वो दे दे। तूने कुछ लिया मेरा, मैंने कुछ लिया। जब थी की बारी आई तो सजना ले मुझे टीनू का पता चाहिए। कौन टीनू? मैं किसी टीनू को नहीं जानती। इससे पहले कि मेरे से ये ट्रिगर दब जाए, मुझे बताओ कि टीनू कहाँ है। मेरे पास ही फोन नंबर है जिसे टीनू का पता चल सकता है। नंबर लगाओ। कमान।
नंबर लगाओ और उसे कहो कि तुम उससे अभी और इसी वक्त मिलना चाहती हो। Come on, hurry up! हेलो, मैं किति बोल रही हूँ। ओह, किति डाले, तुमने यहाँ इस वक्त फोन क्यों किया? तीनू साहब, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है, अभी इसी वक्त मिलना है। किति डाले, तुम अडालन जंकयार्ड में आ जाओ, ओके? सी ओके। ओके साहब। हम लोग तो जुहू में हैं। और किटी को मडालन जंकयार्ड में बुलाया क्यों? हमेशा टीनू कहकर बुलाने वाली किटी आज मुझे टीनू साहब कहकर बुला रही है। तो मडालन के जंकयार्ड पहुंचो, अगर किटी वहां अकेली है तो उसे मेरे पास ले आओ, अगर कोई भी उसके साथ है तो किटी समेत सबको वहीं खत्म कर दो, ओके? आप गाड़ी से उतरना, अगर कोई होशियारी की तो गोली मार दूंगा। अकेली है, लगता तो ऐसा ही है, चले चल। उस लड़की का मर्डर हो गया है। ओह माय गॉड, इसका मतलब यह हुआ कि मुजरिम हमसे एक कदम आगे चल रहा है। लेकिन इस बार वो अपने पैरों के ऐसे निशान छोड़ गया है जो हमें उस तक पहुंचने में बड़ी मदद करेगा। सर, क्या है वो निशान? एक टेलीफोन नंबर 6200871। सर, ये वही नंबर है जो उस लड़की ने डायल किया था। यह टेलीफोन एक वैन में है। सर, हमें यह भी पता चल चुका है कि उस वैन का नंबर MMU 8131 है। बस अब इतना ही पता लगाना है कि ये वैन कहां पर है। तुम जाओ और ट्रैफिक पुलिस को चौकन्ना कर दो। जी सर। और उनसे कहो कि उन्हें जहां कहीं भी इस नंबर की वैन मिले हमें फौरन इत्तला करते हैं। यस सर। वैन नंबर MMU 8131। कौन है? एक
एक्सक्यूज मी, मेरा नाम अनु है, मैं ग्रीन लाइट होटल में डांसर हूँ। रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? क्या मैं आपके यहाँ से गैराज में फोन कर सकती हूँ? बाहर कोई टेलीफोन बूथ भी नजर नहीं आ रहा। आइए, बाहर कितना कोहरा छाया हुआ है, इससे पहले आपने कभी इतना कोहरा देखा? गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था, रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। जी फोन वहां है। थैंक यू। क्या आप देख नहीं सकती हैं? जी नहीं। ओह माय गॉड, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी ट्रेजेडी। जिंदगी का दूसरा नाम ट्रेजेडी ही तो है। लेकिन आपको देखकर कोई अजनबी ये नहीं कह सकता कि आपको नजर नहीं आता। उजालों से जब रिश्ता टूट जाता है तो अंधेरे रास आने लगते हैं। क्या बात है, आप फोन क्यों नहीं कर रही? जी वो क्या है कि मैं अपनी टेलीफोन डायरी घर पर ही भूल आई हूँ। क्या प्लीज टेलीफोन डायरेक्टरी देंगी? उसमें से मैं गैराज का फोन नंबर ढूंढ लूंगी। जी मैं अभी लेके आती हूँ, तब तक आप बैठिए। जरूरत पड़ने पर ढूंढना पड़ता है। ये लीजिए। लीजिए ना। आप बोल क्यों नहीं रही? निशा बोल रही हूँ। हेलो, यहाँ पर एक हेलो 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 निशा, आपको अगर मदद की जरूरत पड़ जाए तो टॉर्च से ऑन ऑफ का सिग्नल दे दीजिएगा। कौन है तुम लोग? मैं वो हीरो से भरी गुड़िया लेने तेरे पास आया हूँ। ना भागने की कोशिश करना और ना चिल्लाने की। मुझसे पहली मुलाकात में तेरी आंखें थी,
दूसरी मुलाकात में जान भी जा सकती है। उस लड़की की लाश देखकर तो समझ गई होगी कि जान लेना मेरे लिए कितना आसान काम है। लेकिन लेकिन तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? हीरो से भरी वो गुड़िया मुझे दे दो जो तुमने कहीं छुपा रखी है। वो गुड़िया कहाँ चली गई? मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। ए छोकरी, तुझे बताना ही होगा कि गुड़िया कहाँ है। कहाँ है वो गुड़िया? अब क्या होगा? यहाँ तो लाश पड़ी है, उस लाश को तो ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। चुप, जो कोई भी है उसे बाहर से भगा दो। हमारे बारे में अगर जरा भी बोलने की कोशिश की तो मेरे रिवॉल्वर की गोली तुम्हारी जान ले लेगी। बोलो कौन है? मैं आनंद। भगा दो इसे वरना मैं इसे भी जान से मार दूंगा। भगाओ, चलो। तुम यहाँ क्या करने आए हो? थोड़ी देर पहले तुम्हारा पुलिस स्टेशन में फोन आया था कि मिलने का बहाना अच्छा है, पर मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती, तुम जा सकते हो। देखो यहाँ मैं एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से आया हूँ, तुम्हारे टेलीफोन से लगा कि तुम किसी मुसीबत में हो। अगर मैं अगर कभी मुसीबत आई भी तो भी मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। मुझे मुझे तो तुम्हारे ख्यालों से भी नफरत है। आई हेट यू, चले जाओ यहाँ से। ओके तेरा यार था क्या? यार ही लगाई तो अभी पुलिस वाले से। तेरा यार तो क्या? दुनिया की कोई ताकत तुझे मुझसे नहीं बचा सकती। याद कर यार, कहाँ है गुड़िया? कहाँ है गुड़िया? सीधी तरह से बता दे कहाँ है गुड़िया। मेरा विश्वास कीजिए, मुझे सच्ची कुछ नहीं मालूम, नहीं मालूम। तेरा ड्रामा, मेरा आदमी दस्तक गिरेगा। बता दे कि हीरो वाली गुड़िया कहाँ है, वरना तुझे भी उस लाश की तरह लाश बना दूंगा। समझ गई? एक, दो, मुझे नहीं पता। तीन, चार, पांच, मुझे नहीं मालूम। छह, पुलिस आ गई। जा दरवाजा खोल। दरवाजा खोलते हुए इतना ध्यान रखना कि तेरे और हमारे रिवॉल्वर की गोली के बीच बिल्कुल जरा सा ही फासला है, कोई होशियारी नहीं करना। पहले पूछ कौन है। पूछा कौन है? तुम्हारा पूछो कौन है? जब तक बोलोगे नहीं मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। दीदी मैं हूँ जूही। पूछो क्या काम है। क्या काम है जूही? दीदी मैं उस दिन आपके यहाँ से गुड़िया लेके गई थी, वो वापस देने आई हूँ। जल्दी दरवाजा खोलो। दीदी ये गुड़िया आप ले लीजिए। ठीक है जूही, तू जा। जूही सॉरी बोला दीदी को। निशा इसे इतना समझाती हूँ कि किसी की चीज बिना बताए नहीं लेना चाहिए, पर ये माने तब ना। आज तनेजा साहब बाहर गए हुए हैं, सोचा क्यों ना 9 से 12 पिक्चर ही देख लो। अच्छा चलती हूँ, देर हो रही है, बाय। चलो जूही। बाय दीदी। यही तो चाहिए थी मुझे, यही तो चाहिए थी मुझे। मैं 50 करोड़ के हीरे। मैं बहुत खुश हूँ। तू किधर गई थी मुझे छोड़ के? 50 करोड़ के हीरे। तुझे जितना खुश होना था हो लिया, अब ये गुड़िया मुझे दे और रिवॉल्वर भी। आराम से दे।
गुड़िया मिलते ही अपनी जात दिखा दी। बोल क्या, तूने मेरा नमक खाया है? नमक बाजार में 3 रुपए किलो मिलता है। गुड़िया दे, दे! हैंड्स अप, मेंढक की औलाद हो, बहुत टुल टुल कर ली तुम दोनों ने। इस गुड़िया पर सिर्फ मेरा हक है। तुम लोगों की रस्सियों में इतनी ताकत नहीं थी कि ज्यादा देर तक मुझे बांध सके। अब मैं एक तीर से 2 शिकार करूंगा। गुड़िया और पिस्तौल इधर लाओ, जल्दी और जकार्टो। इंस्पेक्टर, अब अनीजी, अब मैं एक तीर से 3 शिकार करूंगा। इससे पहले कि मेरी गोलियां तुम लोगों को फर्श पे कालीन की तरह बिछा दे, ये रिवॉल्वर्स और वो गुड़िया मेरे हवाले कर दो। सीबीआई इंस्पेक्टर नहीं, बल्कि वो आदमी हो जिसे हिंदुस्तान की सारी पुलिस बड़ी बेसब्री से ढूंढ रही है। मेरा नाम है पीटर गोंसाल्विस। तुम हो पीटर गोंसाल्विस? जी हाँ। आज तक तू टीनू सर जॉन का सारा माल उड़ाता रहा है, लेकिन आज मैंने तुझे और सर जॉन दोनों को मार दे दी है। पानी में रहकर तूने मगरमच्छ से बैर लिया है पीटर। पानी में रहकर मगरमच्छों से दोस्ती भी तो नहीं की जा सकती। आज देख टीनू, 50 करोड़ का मालिक बन चुका हूं मैं। तुम लोगों को गुड नाइट तो नहीं कह सकता, बैड नाइट ही सही। एक मिनट पीटर, एक मिनट। जाने से पहले ये तो देख ले कि इस गुड़िया में हीरे है या नहीं। देख ले। इसमें जरूर तेरी कोई चाल है। बता दे वो हीरे कहाँ है, बता, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। बता। मेरा खून तुझे हजम नहीं होगा पीटर, इसलिए किचन में जा और ठंडा पानी पी ले, और ठंडे दिमाग से सोच कि अगर मेरे पास हीरे होते तो मैं यहाँ झक क्यों मारता।
लेकिन हीरे गए कहाँ? वो तो यही बता सकती है। सच सच बता, हीरे कहाँ है? मुझे नहीं पता। छोड़ दे इसे, इसे तो गुड़िया के बारे में भी मालूम नहीं था, फिर हीरो के बारे में क्या बताएगी? तो फिर बताएगा कौन? अरे वही बच्ची जो गुड़िया वापस देकर गई। वो लड़की तो 9 से 12 पिक्चर देखने गई है और अभी तो 10 बजे, यानी 12 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। अब दूसरा कोई चारा भी तो नहीं है। और दूसरी बात, अब हमें दुश्मनी भूलकर एक हो जाना चाहिए, समझे क्या? मुझे मंजूर है। मुझे भी मंजूर है। मुझे भी। देखिए, मेरा विश्वास कीजिए, मुझे हीरो के बारे में कुछ नहीं मालूम। मेरे पास कुछ पैसे और जेवर है, अगर आप चाहें तो उन्हें लेके चले जाइए। बेवकूफ लड़की, जिन हीरो की हमें तलाश है वो 50 करोड़ के हैं, हमें मिल जाएंगे, हम खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। और ये लाश किसकी है? इसने हमें देख लिया था, इसलिए मैंने इसे जान से मार दिया। ये तुम किस ड्रामे के रिहर्सल कर रहे हो भाई? ये मुझे घूर रही है। अरे घूरेगी नहीं तो क्या, रोमांटिक गाना गाएगी या डिस्को करेगी? लाश है लाश। ओ, मेरी जान, जरा इधर, जरा नीचे। हाँ, इधर ही घूरना, उसकी तरफ नहीं, ठीक है? ये मुझे फिर घूर रही है, तो मैं क्या करूं? जब तक ये लाश यहाँ है ना, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ओह वाह, तो फिर तुम ही सोचो कि इस लाश को कैसे ठिकाने लगाएं। अब कौन हो सकता है? देखो जो भी है उसे बाहर से ही भगा दो। कौन है? मैं दीपक। मेरा फ्रेंड है दीपक, हम लोग आज डिनर पे जाने वाले थे, अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला तो उसे शक हो जाएगा। ठीक है, जाओ दरवाजा खोलो। इतना ध्यान रहे, जरा भी होशियार की तो तुम दोनों हम चारों के निशाने पर हो। ओके जाओ। सब ठीक करो, सब संभालो, लाश उठा ले। सॉरी निशा, देर हो गई। क्या करूं, डॉक्टर का प्रोफेशन ही ऐसा होता है। चलो चले। दीपक, मैं नहीं जा सकूंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अचानक क्या हो गया? तुम फिकर मत करो, मैं डॉक्टर हूँ, अभी ठीक कर दूंगा। नहीं, तबीयत के साथ साथ मेरा मूड भी ठीक नहीं है, मुझे मजबूर मत करो दीपक, फिर कभी चलेंगे, आज मैं अकेले रहना चाहती हूँ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ओके बाय। सुनो दीपक, अपने जन्मदिन के फूल तो लेते जाओ। निशा, मैं यहां हूं। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे दीपक। थैंक यू। ओके बाय। बाय। Thank you.
जाने दो इन्हें। क्या बात है इंस्पेक्टर? नाकाबंदी है। हवलदार गाड़ी चेक करो। चाबी साहब। साहब क्या हुआ? इधर आइए। डिक्की खोलो। इंस्पेक्टर मैं ये पूरे शहर में नाकाबंदी है। ये वैन को दहीसर चेकता का क्रॉस नहीं करना चाहिए। यू अंडरस्टैंड? यस। आनंद ये है मिस्टर दीपक। सांता क्रूज क्रॉसिंग पर इनकी गाड़ी की डिक्की से एक लाश मिली है। उस लड़की की उम्र तकरीबन 18-20 के बीच में लगती है। उस लाश की शिनाख्त हुई? अभी तक तो नहीं हो पाई है। मिस्टर दीपक कौन है वो लड़की? आनंद मैंने उस लड़की को आज पहली बार देखा है। मैं नहीं जानता कि उसकी लाश मेरी गाड़ी की डिक्की में कैसे आई। सभी मुजरिम ऐसा ही कहते हैं। देखो आनंद तुम मुझ पर बेबुनियाद शक कर रहे हो। बुनियाद तो हम ढूंढ ही लेंगे, पर मिस्टर दीपक जब तक पुलिस अपनी तहकीकात पूरी नहीं कर लेती तब तक आपको पुलिस की हिरासत में रहना होगा। इन्हें लॉकअप में बंद कर दो। हवलदार मेरी बात सुनिए। मिस्टर आनंद, मिस्टर आनंद मेरी बात सुनिए। लाश कहाँ? ऊपर हॉस्पिटल के मुर्दा घर में। सर ये है विनोद भाई, अर्चना लॉन्ड्री के मालिक। बैठिए तुम जाओ। थैंक यू। देखिए हमने आपको इतनी रात गई इसलिए तकलीफ दी क्योंकि हमें आपसे एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। पुलिस की मदद करना हर नागरिक का फर्ज है। कहिए मैं आपके किस काम आ सकता हूं? ये बिल जो 29 तारीख को आपकी लॉन्ड्री से इशू हुआ था क्या बता सकते हैं किसका है? दो सलवार, दो कुर्ता, 4 वाइट ट्राउजर, 4 वाइट शर्ट। ये बिल तो कैलाशनाथ राठौड़ जी का है। क्या आप पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये बिल कैलाशनाथ जी का? जी हाँ पूरे यकीन के साथ। देखिए ना इस पे हमारे लॉन्ड्री का कोड AR साफ साफ लिखा हुआ है और इतने अधिक सफेद कपड़े तो सिर्फ कैलाशनाथ जी के घर से ही आते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप जा सकते हैं। मिस्टर दीपक कहिए लाश की मुट्ठी में मिलने वाली लॉन्ड्री की रसीद कैलाशनाथ जी के घर की है क्या? तुम वहां गए थे? हाँ गया था और वहीं से लौटते हुए लाश मेरी डिक्की में मिली। घर में कौन कौन था? निशा अकेली थी मगर वो कुछ घबराई हुई थी। ओह माय गॉड क्या हुआ? लगता है वो किसी मुसीबत में है। ये तुम कैसे कह सकते हो? आज मेरा बर्थडे है, उसे मेरे साथ डिनर पे जाना था लेकिन जब मैं उसे लेने घर पहुंचा तो वो मुझे कुछ अजीब तरीके से अवॉइड करने लगी। देखो आनंद देर मत करो फॉरन वहां पहुंच जाओ प्लीज। अगर कभी मुसीबत आई भी तो भी मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। मुझे मुझे तो तुम्हारे ख्यालों से भी नफरत है। हवलदार जी सर
इंस्पेक्टर सिंह से कहो कि झूपे P3 बंगले में जाके तहकीकात करे। ओके सर। तुम खुद क्यों नहीं जाते? जवाब तुम खुद जानते हो मिस्टर दीपक, मेरा रिश्ता उस घर से टूट चुका है। रिश्ता तो आज भी जुड़ा हुआ है आनंद, तुम्हारे और निशा के दिलों में। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि जो कुछ उस दिन तुमने मेरे और निशा के बीच में देखा और सुना वो सब झूठ था। तो फिर सच क्या है? तुम्हारा और निशा का प्यार। मगर उस दिन निशा चाहती थी कि तुम उससे नफरत करने लगो। आखिर क्यों? एक हादसे में निशा की आंखें चली गई आनंद, और वो अपनी अंधी दुनिया लेकर तुम्हारी जिंदगी में नहीं आना चाहती थी। ये तुम क्या कह रहे हो? जो कहा है सच कहा आनंद, मेरे और निशा के बीच में सिवा दोस्ती की और कोई रिश्ता नहीं है। क्या? हाँ। चलो दीपक, अगर आज देर हो गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। चलो। अच्छा चौधरी साहब को थैंक यू बोलना हम लोगों को घर तक छुड़वाने के लिए। अच्छा चलो। बेटी 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 रो क्यों रही है, रो क्यों रही है? इन्होंने मेरी मम्मी को मारा। रो मत बेटी, हम इन्हें बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे। हाँ, हम इन्हें हवालात में बंद कर देंगे। हाँ। अच्छा एक बात तो बताओ बेटी, जो गुड़िया तुम ले रही थी उसमें से कुछ निकला? हाँ, कुछ पत्थर निकले थे। वो पत्थर कहाँ है? वो तो मैंने फेंक दिए। इसे मत मारो, इसे मत मारो, इसे कुछ नहीं मालूम, इसे मत मारो। ए बेटी, वो पत्थर कहाँ फेंके थे जरा बताना, जरा बताना। वो पत्थर तो मेरे स्पिश टैग पे फेंक दिए थे। जॉन। हाँ। गोलियां मेरे पास हैं, हीरे मेरे हवाले कर दो, हीरे मेरे हवाले कर दो, इसमें भरो। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। ये क्या कर रहा है? मुझ पे बंदूक तान रहा है, मुझ पे? हाँ हाँ, आपको, आपको इस जगह देखकर मुझे बहुत शर्म आ रही है। अरे आपने मुझे सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाया, और ये भी कहा कि अगर इसके बीच कोई दीवार आए तो उसे गिरा देना। अब बोलिए, दीवार गिरा दूं? आनंद, जोश में होश मत खो। सारी जिंदगी पुलिस की गुलामी करने के बावजूद भी तू इतनी सारी दौलत नहीं कमा पाएगा। 50 करोड़ के हीरे हैं ये, दोबारा तू इतनी दौलत नहीं देख पाएगा आनंद। शायद ना देख पाऊं, मगर आज जो देखा उसके बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता था। और अब मुझे मेरे फर्ज के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता अंकल। आनंद, ये तुम्हारे अंकल IG पुलिस नहीं है, ये कोई और है। कौन है आप बताइए, कौन है आप बताइए, कौन है आप? आप बोलते क्यों नहीं, बताइए कौन है आप, कौन है?
खुशबू तो मैं पहचानती हूँ। कस्टम ऑफिसर कैलाशनाथ। अंकल। पापा आप? ये आप हैं? हाँ, मैं ही सर जॉन हूँ। अपने आप को छुपाने के लिए मैंने आईजी का चेहरा पहन लिया था। मैं सारी जिंदगी आपको देवता समझती रही, और आपकी असलियत ये है पापा? मुझे माफ कर दे बेटी, मैं शुरू में ऐसा नहीं था। जब तू छोटी थी तब भूख और गरीबी ने मुझे ऐसे दिन दिखाए कि मैं कैलाशनाथ से सर जॉन बन गया, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरे पापों का साया मेरी बेटी की जिंदगी में अंधेरा कर देगा। आज मैं हार गया बेटी, हार गया। लेकिन मैंने बंदूक फेंक दी, मुझे दे दे। चुपचाप। मैं इन सब लोगों को संभालता हूँ, तू हीरे लेकर निकल जा, वो रिवॉल्वर मुझे दे दे। तो ये क्या करता है? तू तो हमारा दोस्त बन गया है। मैं तेरा दोस्त बन गया हूँ? मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ, मैं सीबीआई ऑफिसर नीलकंठ सहाय। तो फिर जकार्तो कहाँ है? जकार्तो? पकड़ा इसको। उसको तो अमेरिका के एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था, और उसकी जगह मुझे उसका नाम देकर इंडिया भेजा गया ताकि मैं स्मगलरों के साथ रहकर उनके बीच पहुंच सकूं और पता लगा सकूं कि स्मगलरों का चीफ सर जॉन कौन है, ये टीनू तथा तेरे जैसा पीटर कौन है। अगर तुम सीबीआई के हो तो फिर एयरपोर्ट पर पुलिस ने तुम्हें गिरफ्तार क्यों किया? वो सब दिखावा इसलिए था कि सब लोग यही समझे कि मैं स्मगलर जकार्तो हूं, और तुम सब मेरे पीछे लग जाओ। तुम दोनों को तो मैं कब का गिरफ्तार कर लिया होता, लेकिन मुझे सर जॉन का इंतजार था। सर जॉन? चेहरा तो मास्क लगाकर बदल लिया, लेकिन आवाज कैसे बदली? बताओ बताओ, जब सबके सामने बेनकाब हो चुके हो तो ये बात क्यों छुपा रहे हो? बताओ। ये एक छोटी सी मशीन है, इसे गले में फिट कर लो तो प्रैक्टिस से किसी की भी आवाज निकाल सकते हो। ए, भाई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, you're all under arrest, तुम सब किसी पुलिस की हिरासत में हो। तो सर जॉन तुम निकले, लेकिन शायद तुम्हें नहीं मालूम कि तुम जिन हीरो के लिए मारपीट कर रहे हो वो हीरे नकली हैं, असली हीरे पुलिस की हिफाजत में। थैंक यू मिस्टर नीलकंठ सहाय, आपकी मदद से हम इस खतरनाक मुजरिमों को पकड़ सके। ये क्या किया? मेरी बेटी की जिंदगी में अंधेरा करने वाला, मेरे जीते जी जिंदा कैसे रह सकता था? क्या किया ये? भाई गुलशन, इससे पहले मेरी जिंदगी का फैसला कोई और करे, मैंने अपना फैसला खुद कर लिया। आनंद जी, मेरी निशा को अपनाओगे ना? जी। मेरी निशा को अपनाओगे ना? जी। आई जी साहब, आई बैंक को फोन कर दीजिए,
मैं अपनी आंखें अपनी बेटी को देना चाहता हूँ। हाँ कैलाशनाथ जी, ताकि इसकी जिंदगी पर छाया हुआ कोहरा हमेशा के लिए दूर हो जाए। निशा बेटी, अपने पापा को, पापा को, अमेरिका में हनीमून मनाने का मजा कुछ और है। डोंट थिंक सो। हाँ जी, जरा बैग रखेंगे? क्यों, मैं अभी आता हूँ। नहीं 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 नहीं, आप जाइए और ये भी लेते जाइए। जाइए। देखिए, आप लोग भी कभी गलती से किसी का सामान मत लीजिएगा, समझे?